अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। भाई ये जो आप लव बर्ड्स देख रहे हैं, लैटिनो लव बर्ड्स, मेरे घर में पहले कभी ऐसे कोई बर्ड्स आपने नहीं देखे होंगे। बट ये बर्ड्स आए कैसे हैं, ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, एक बहुत बड़ा मिशन है जो कि मैं पहले आप देख लो यार, इनको गौर से देख लो, इन बच्चों को जो है ना गौर से देख लो। देख लिया आपने इनकी कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। भाई कहानी कुछ इस तरीके की है कि अभी थोड़ी देर पहले जो है मैं अपनी गली में वॉक कर रहा था एंड अचानक से मैंने देखा कि एक जगह बहुत सारे कौवे जमा हुए हुए हैं और वो किसी चीज़ को नोच रहे हैं। अच्छा, मैं फ़ौरन समझ गया कि कोई चिड़िया है या कोई तोता है जो कि जो है ना कहीं से उड़कर आ गया, तोते उसको कौवे जो हैं उसको मार रहे हैं। तो मैं फ़ौरन भागता हुआ गया, कौवे को उड़ाया और मैंने वो तोता पकड़ लिया। ये बेसिकली एक लव बर्ड है, लैटिनो लव बर्ड इनको कहते हैं। तो ये मैं भागता हुआ गया, एक तोता जो है मैंने पकड़ लिया, वो पकड़ के मैं लेता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा, इसकी सीसीटीवी फुटेज भी है जो तुम लोग सामने देख रहे हो ना, ये देखो मैं चलता हुआ आ रहा हूँ ना, तो मेरे हाथ में ये तोता है जो मैंने हाथ ऐसे किए हुए हैं, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ, मैंने बोला यार ये लव बर्ड्स हैं, पेड़ में रहती हैं, एक आए एक लाजमी होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ वहाँ देख रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ, बिल्ली एक जगह भागती हुई आती है और उसके मुंह में तोता था। अब वो एक कॉकटेल पैरेट था जिसके भाई ये पर पड़े हुए हैं। अब वो तो उन्होंने शहीद कर दिया, ठीक है, बिल्ली ने वो शहीद कर दिया, बिल्ली जो है वो खा के भाग गई। अब मैं खड़ा हुआ, मैंने बोला यार ये तो किसी का पिंजरा खुला है और उसमें इसका कॉकटेल पैरेट था और जो है ये लव बर्ड्स हैं तो ये उड़ी हैं। अब खड़ा हुआ सोच रहा हूँ कि यार कहीं ना कहीं कौवे, जहाँ कौवे ज़्यादा नज़र आएंगे ना समझो, वहाँ इसका दूसरे पार्टनर का काम तमाम हो रहा होगा। अब मैं खड़ा हुआ देख ही रहा हूँ, अचानक से मैं हवा में क्या देखता हूँ, उस लव बर्ड का पेयर उड़ता हुआ आता है, ठीक है, उसका जो पार्टनर था वो उड़ता हुआ आता है और मेरी गाड़ी के विंडशील्ड पर टकराता है। अब जैसे ही टकराया मैं भागता हुआ उसके पास गया। अब जैसे ही भाग रहा हूँ, सामने देखो सीसीटीवी फुटेज होगी, अब मैं जैसे ही भागता हुआ जा रहा हूँ ना, वहाँ पर एक बिल्ली भी मौजूद है, वही बिल्ली जिसने वो क्या कहते हैं काकाटू बोल रहा हूँ कॉकटेल को जो है खाया था। अब मैंने बोला यार ये बिल्ली इसको भी पकड़ लेगी और वो डायरेक्ट बिल्ली के मुँह के आगे लैंड किया। अब मैं भागता हुआ गया, मैंने कोशिश की पकड़ने की, बिल्ली सामने आई, बिल्ली को डॉच किया और फुल एक्शन करके उस दूसरे तोते को भी मैंने पकड़ लिया, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी रखी हुई होगी, ये चढ़ गए मेरे हत्ते। अब मेरे हाथ में दोनों तोते जो है ना वो आ गए। अब भाई फिर मैं घर गया। अब ये भी है कि इनका बाजरा अलग होता है, ये इनका जो ना मिक्स बाजरा आता है, इसमें सनफ्लावर सीड होते हैं, कॉर्न होता है और इन लव बर्ड्स का बाजरा जो है ना बिल्कुल अलग होता है। खैर वो मंगवाया, पिंजरा मंगवाया और पिंजरे में डाला और अभी जो आप ये देख रहे हैं ये जो दो लव बर्ड्स, ये ऐसे मेरे घर में आई हैं। अब किसी ने खोले हैं या ये गलती से उड़े हैं, बताने का मकसद ये है भाई कि ये हवा में ऐसे उड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। मतलब ये जो फैंसी बर्ड्स होती है ना, अगर कुछ लोग का कॉन्सेप्ट होता है भाई परिंदों को नहीं कैद करना चाहिए, आज़ाद कर लेना चाहिए, लेकिन भाई ये फैंसी बर्ड्स होती हैं, इनको कैद ज़रूरी है। मतलब इनको आप ऐसे खुली हवा में नहीं उड़ा सकते, वरना चील खा जाएंगी, कौवे खा जाएंगे, ठीक है, ये इनका शिकार हो जाते हैं। तो बताने का मकसद ये कि वो लोग जो समझते हैं कि भाई उड़ा देना चाहिए, तो भाई ना उड़ाओ, किसी को डोनेट कर दो, ठीक है, या मुझे दे दो, या किसी फार्म पर दे दो, ज़ू में दे दो, वहाँ दो जहाँ पर ऐसे तोते हों बहुत सारे, ठीक है, तो बड़े खुले पिंजरे में, ठीक है। ये फ़िलहाल मेरे घर में छोटे केज में, इनको मैं बड़े केज में जो है ट्रांसफ़र कर दूंगा और उनके दो तीन और रिश्तेदार भी डाल दूंगा। बट बताने का मकसद ये है कि बराए मेहरबानी अगर लेकर आ रहे हैं तो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी लें, उनको पाले। माना ये शोर बहुत करते हैं, शोर बहुत मचाते हैं, बट कि यार थोड़ी सी इनकी ज़िंदगी होती है, थोड़ा टाइम बर्दाश्त कर लो, शोर बहुत मचाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप खोल के इनको उड़ा दो। बहरहाल हो सकता है किसी ने गलती से खोल दिया हो, गलती से अगर निकल गए हो, अगर किसी गलती से निकले तो भी आप बहुत बेवकूफ़ हैं, आप इतने लापरवाह आदमी हैं, और क्या आपने जो है तोते रखे हैं उस पर लॉक नहीं लगाया हुआ, केज जो है वो बिल्कुल ऐसे लापरवाह छोड़ा हुआ, क्योंकि इनकी आदत है ये दरवाज़ा खोल भी सकते हैं ना, तो बड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो भाई
अभी ये सीन हुआ था तो मैंने फ़ौरन से वीडियो बना दी। लेट मी नो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि हाल ही में जो महबूब फोटोग्राफी वाला जो लड़का है साद, उसके 25 लाख के तोते भी जले। तो यू नो दिख होता है यार, मतलब जानदार चीज़ है, उसको ख्याल रखना चाहिए, उसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, इस थॉट के बारे में मुझे लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।